साथियों, एक तरफ कांग्रेस आपसे सुविधाएं छीनने की बात कर रही है, वहीं भाजपा ने अपनी योजनाओं को विस्तार देने का संकल्प लिया है। 2022 में हमारी आजादी के 75 साल होने वाले हैं और हमने तय किया है 2022 तक सभी परिवार जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है उन सभी परिवारों को पक्का घर मिले। और ये मोदी है, वादा करता है तो पूरा भी करता है, दिन रात मेहनत करता है, जी जान से जुट जाता है। और घर भी सिर्फ चार दीवारें नहीं, घर भी ऐसे जिसमें गैस का कनेक्शन होगा, बिजली भी होगी, सस्ते में एलईडी बल्ब की भी होगा, शौचालय भी होगा। भाइयों और बहनों, 23 मई को क्या है मालूम है ना? क्या है? 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब पीएम किसान योजना जो आज 5 एकड़ और उससे कम लोगों के लिए है, उसको सभी किसान परिवारों के लिए लागू कर दिया जाएगा। जो छोटे किसान और खेत में काम करने वाले खेत मजदूर है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा देने का हमने संकल्प किया है, हमने तय किया है। उनको 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीना नियमित पेंशन मिले, इसकी भी व्यवस्था होगी। किसान को भी मिलेगा और खेत मजदूर को भी मिलेगा। साथ ही हमारे छोटे छोटे दुकानदार ठेका लेके बैठे हैं, छोटी सी एक दुकान लेकर के बैठे हैं, हमने तय किया है कि हम नई सरकार बनाने के बाद इन छोटे छोटे दुकानदारों को भी हर महीना नियमित पेंशन 60 साल के बाद मिले, इसका भी प्रबंध करेंगे। साथियों, इसी तरह जनजाति और वनवासी समुदाय के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का विस्तार भी बढ़ाया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ कमाई बढ़ाने के लिए देश भर में 50,000 वन धन विकास केंद्र खोले जाएंगे। जो हमारे आदिवासी सेनानी हैं, उनके स्मारक बनाने का काम भी होगा, हम तेजी से करने वाले हैं।